पाइप आ रहा है अभी। स्टार्ट कीजिए भैया। अभी टैंकर से पानी आया और बहुत मजा आया। जब पानी आया तो लगा कि हाँ पानी है घर में, क्योंकि पूरा टंकी खाली हो गया। तो घर का सारा काम कर ली, जितना भी काम था। बेटी अब जिद कर रही कि मम्मी बाहर चलना है, तो चलो बाहर। बारिश के कारण 3-4 दिन से वो घर से निकल नहीं पा रही थी और मैं भी घर से बाहर निकल नहीं पा रही थी। तो अपने बेटी के साथ जा रही हूँ घर के बाहर, और मैं भी पता करती हूँ जो सोसाइटी का इशू है मीटर लगाने का, वो कब तक सॉल्व होगा। मेरे हस्बैंड तो पूरा दिन ही बाहर है, सुबह से लेकर के अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और वो बाहर में ही है। मालूम नहीं वो बाहर क्या कर रहे हैं। सैटरडे है तो उनकी छुट्टी है, तो उनको घर में मन नहीं लग रहा है। मुझे भी देखना है कि बाहर में कर क्या रहे हैं। चलते हैं बाहर। चलो लड़ चलो। ये देखिए बाहर पूरा का पूरा अंधेरा है, क्योंकि सोसाइटी का मीटर नहीं है, इसीलिए अभी मैं अपना लाइट ऑन कर रही हूँ। मैंने भी अपना खुद का बल्ब बाहर लगाया था इसी वजह से। आधी लाइट ऑफ कर दो बाहर का। लाडो खुश हो गई, कितने दिन से बारिश हो रहा था इसीलिए बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अभी बारिश नहीं हो रहा है तो कही मम्मी चलो इतनी तो समझदार है कि बारिश में बाहर नहीं निकलते हैं। अभी मुझे भी अपने हस्बैंड को ढूंढना है, सुबह से घर पे ही नहीं है। बस खाना खाने के लिए आए थे और वो फिर वापस चले गए। पता नहीं बाहर कर क्या रहे, ऐसे तो इधर उधर कहीं जाते नहीं है। बाइक अपने पास है नहीं, ना ही कोई 4-व्हीलर है, ना कोई 2-व्हीलर है, ना साइकिल तक भी नहीं अपने पास। तो वो कहीं जाएंगे तो पैदल कितना दूर जाएंगे। लेकिन मेरी बेटी तो बहुत पीछे रह गई। क्या पानी गिरा है? आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होगा। आ जाओ मम्मी का हाथ पकड़ो, चलो 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 आ जाओ। मुझे अपने हस्बैंड की आवाज़ सुनाई दे रही, लगता है कि वो किसी के यहाँ नीचे ही बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे बैठे हुए पूरा दिन घर से बाहर। लड़ो आ गई पापा पास। मेरे मिस्टर नीचे बैठे हैं, सबसे हम बोल रहे हैं कि आज घर पे रह नहीं है। एक तो लाइट नहीं है और ये भी गैप, ऊपर से पानी का दिक्कत। टैंकर से पानी आया तो सोच सोच के खर्चा करना पड़ रहा है। अपने पापा के साथ घूमने चली गई। अभी हस्बैंड बताया है कि आदि घर पे नहीं है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि बिना बताए वो कैसे चला गया। वो घर पे ही था, अकेले था, तो फर्स्ट फ्लोर में ही हमारा घर है। यहाँ से आवाज लगाएंगे तो सुन लेता है आवाज। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना बताए घर से चला गया। तो वो बिल्डिंग में ही किसी के यहाँ गया होगा, अपने किसी फ्रेंड के यहाँ। क्या हुआ? कहाँ घूमने जाना है? वहाँ पे ये एक बार घर से निकल जाएगी तो घर घुसना ही नहीं चाहती, इसीलिए इसको जल्दी लेकर के निकलते नहीं। और इसके पापा को बोलो जाइए लेकर के बेटी को, तो वो भी कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आती ही नहीं है। कहाँ जाना है तुमको? अरे रुको तो सही, अब तो मुझे घर जाने ही नहीं मिलेगा। अब वो यही भटकते रहेगी, मुझे भी भटकाते रहेंगे। वैसे मौसम तो बहुत अच्छा है, दिखाती हूँ मैं आपको। पूरा बादल किया हुआ, हवा भी चल रही है, आप देख सकते हैं। लाडो चलो घर। हाँ वो अंकल बात कर रहे हैं ना, वो आवाज आ रहा है। चलो घर आ जाओ। अच्छा 2-2 चिप्स चाहिए? किस? मम्मी के पास पैसा नहीं है, पापा के पास है, घर पर है। चलो घर चलते हैं। चलो 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 घर चलते हैं, पापा ला देंगे। लाडो चलो घर चलते बेटा। पैसे नहीं है, मैं पैसे लेकर के नहीं आई हूँ। बच्चों को कभी कभार दे देती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं, पर हफ्ते में एक बार दे देती हूँ कुछ। लाडो चलो घर बेटा।
चिप्स लेना है। ये है घर, घर के पास ही है पार्लर और ये है दुकान। अभी सारे दुकान बंद है तो मैं बच गई, पैसे तो थे नहीं अपने पास लेकिन बेटी को चाहिए था चिप्स। मैं दिखा दी कि देखो दुकान बंद है तो चिप्स लेंगे कैसे, तो इतना तो समझ है कि हाँ दुकान बंद है तो चिप्स मिलेगा नहीं। तो अब मैं इसको घर आने के लिए कह रही हूँ पर ये आ नहीं रही, तो मैं अब जा रही हूँ ऊपर अपने रूम। अब देखते पीछे पीछे आती है तो ठीक है, मैं तो उसके पापा को देख लूँगी। तुम घूम के आ गई? दुकान बंद था, चिप्स मांग रही थी, कह रही थी दो दो चिप्स चाहिए। तुम बोले पैसा नहीं है चलो, पर नहीं नहीं मान रही थी तो फिर दिखा दिए। इत्तेफाक से दुकान बंद था इसलिए बच गए। आदि है कहाँ? पता है आदि, तुम बिना बताए घर आ गया। तुमको घर पे अकेले छोड़े थे तो तुम घर से निकल गए बिना परमिशन के। अभी मैं अपने हस्बैंड को नीचे से बुला करके लाई हूँ और वो फिर से लग गए घर पे, आकर के लैपटॉप में मूवी देख रहे हैं। उनका मन नहीं लग रहा है, सैटरडे छुट्टी है इसीलिए टाइम पास कर रहे हैं, उनका समय कट नहीं रहा है। आज मौसम बहुत साफ है, बारिश नहीं हो रही है। आदि अभी सो चुका है और अभी बज रहे हैं रात के 1:15 और मैं और मेरी बेटी अभी जगे हुए हैं और मेरे हस्बैंड पानी भर रहे हैं। 1:15 रात को मेरे हस्बैंड पानी भर रहे हैं क्योंकि अभी सोसाइटी वालों ने 1:15 रात को पानी छोड़ा है। पता नहीं कैसे जुगाड़ लगाया, मुझे खुद नहीं पता। अभी थोड़ी देर पहले कॉल आया था कि अभी वो लोग पानी छोड़ने वाले हैं नल में, तो अभी वो पानी भर रहे हैं। मैं अपनी बेटी के साथ 1:15 रात को जग रही हूँ। 1 बजे से पहले तो सोती ही नहीं है, बेटा 10:30 बजे सो जाता है, तो मेरी किस्मत में भी नींद नसीब नहीं है। तो आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, मैं जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ पानी भरने के लिए। तो कल फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में। बाय बाय।